सो हेलो गाइज, आज पहली बार मैं अपने चैनल पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ड्रैग रेस करने वाला हूँ। बेसिकली दोनों गाड़ियाँ आज अपने पास है, अपनी बलेनो है और नमन भाई की जो ग्रैंड i10 नियोस है वो है। पहली चीज मैं आपको यहीं पे स्टार्टिंग में क्लैरिफिकेशन दे देना चाहता हूँ कि भाई दोनों गाड़ी एक दूसरे की कॉम्पिटिटर नहीं है। ये एक नॉर्मल हैचबैक है जो कि आपके स्टार्टिंग मतलब कह सकते हैं कि एंट्री लेवल में आ जाती है ठीक ठाक प्राइस में 5-6 लाख रुपए में। ये एक प्रीमियम हैचबैक है जो कि आप लोग थोड़ा 8-9 लाख रुपए खर्च करके लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली देखो इनकी रेस करवाने का मेरे को आइडिया कहाँ से आया वो बताता हूँ। दोनों गाड़ियों के अंदर पेट्रोल इंजन है और वो भी 1.2 सेम इंजन है, पावर फिगर सेम है और उसी के साथ ये गाड़ी जो है ग्रैंड i10 नियोस ये भी मारुति की थोड़ी सी हल्की गाड़ी है क्योंकि ग्लोबल एनकैप ने इस गाड़ी को भी 2 स्टार की रेटिंग दे रखी है। एंड दूसरी चीज़ इसकी बात करा जाए तो भाई ये तो हल्की के लिए ही मशहूर है, मतलब थोड़ी सी हल्की तो है ये। तो अब दोनों गाड़ियों की एक बार ड्रैग करवा के देखते हैं कि कौन सी गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है, कौन सी आगे निकलती है। 3 या 4 राउंड करेंगे जिसमें से 2 बार नमन भाई चलाएंगे, 2 बार मैं चलाऊंगा, दोनों गाड़ियां स्विच करके। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन, देखते हैं क्या होता है, चलते हैं करते हैं फिर वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। पसंद आए तो एक लाइक ठोक सकते हो आप लोग। तो भाई अब हम फर्स्ट राउंड करने के लिए रेडी हैं, साइड में नियोस रेडी है। तो भाई आप 3 हॉर्न देना, 3rd हॉर्न पे चलेंगे, एसी ऑफ है दोनों कार्स का। तो भाई ठीक है, रेडी चलो। तो भाई वैसे भाई ज्यादा पीछे नहीं थे i10 भी, मुझे लग रहा है बिल्कुल आप बराबर में ही थे, बराबर भाई। बस मुझे लग रहा है दूसरे तीसरे गियर पे मैंने बीट करा है। तो गाइस पहली वाली राउंड में मेरे से गलती से एसी ऑन रह गया था तो इसलिए i10 बहुत पास भी आ गई थी। अब देखते हैं सेकंड राउंड करके देखते हैं क्या होगा। तो भाई ठीक है रेडी, हॉर्न दो। स्टार्टिंग के अंदर जो है टायर स्पिन बहुत ज्यादा हुए, वहां पे थी भाई छोटी छोटी रोड़ियां तो भाई वहां पे तो i10 ने मतलब बिल्कुल मेरे पीछे ही लगी रही। भाई व्हील स्पिन बहुत ज्यादा हुआ था, इस चक्कर में आगे गई नहीं है बाकी। तो भाई बलिनो थोड़ी सी आगे निकल गई, मेरा थोड़ा सा सेकंड गियर डालने में हल्का सा 1 सेकंड का डिले हुआ तो बलिनो ने अच्छा खासा पीछे छोड़ दिया। अब भाई फाइनल राउंड करके देखते हैं। भाई अगर रियलिटी वाइज बात करूं तो ग्रैंड i10 कोई बुरा कंपटीशन नहीं दे रही है, बहुत टफ कॉम्पिटिशन दे रही है। और गाइस इस वाले राउंड में आपके भाई ने बलिनो को हरा दिया है। तो भाई देखो मैं अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात बताता हूं। तो देखो भाई कंक्लूजन की बात यह है, सारा खेल है राइडर का, राइडर गाड़ी को चला कैसे रहा है, ठीक है ना।
अब देखो मेरे पिछली बार दोनों साइड की जो है विंडोज है ये ओपन हुई हुई थी, तो बहुत ही बाहर से मेरे को अनोइंग सा साउंड आता और मेरे से भाई गाड़ी नहीं चलाई जाती, इतनी अजीब सी साउंड आती है। तो और फिर उसमें भी मगर मैं ज्यादा पीछे नहीं था, तो भाई कैसे पीछे रह गए स्टार्टिंग में जो रोडियां वो बहुत दिक्कत कर रही थी है ना, वहां बहुत ज्यादा जो भी है पावर लगा रही थी ना पूरा रोडी पे निकल जा रही थी। तो ओवरऑल आपके हिसाब से कौन जीती चारों राउंड में? आराम से इजी, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत ज्यादा इजी विन था इसका बलैनो का, i10 ने बहुत टफ कंपटीशन दिया है भाई इसको भी, ऐसी बात में दो राय नहीं है कि भाई आराम से इसको इसने जीतने दिया है, कंपटीशन काफी ज्यादा टफ था, बट फिर भी अगर देखा जाए तो बलिनो ही विनर है और यही विनर बननी भी थी। तो भाई कैसा रिस्पॉन्स रहा, कैसी भाग रही है भाई? बढ़िया यार एकदम गजब है ना। तो भाई ड्रैग रेस के अंदर विनर बलिनो है, बट आई टेन किसी भी एंगल से कम नहीं है, है कि नहीं? इस बारी मैं आपसे एक बारी आगे निकला था, फिर मौका नहीं दिया इसने आगे निकलने का। भाई अच्छी गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियां अच्छी हैं, अपनी जगह पे बहुत अच्छे स्टैंड करते हैं। ड्रैग रेस अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हो।